नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तशरीफ के ऊपर तहमंद, उसके ऊपर लंबा कुर्ता और सिर पर एक जालीदार टोपी। यह वेशभूषा केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि यह सब हरकत इनकी गंवारू प्रवृत्ति के कारण हुई, वह कहीं ना कहीं इनकी चालू मानसिकता से अरभिग है। दुनिया को मुश्किल में डालने का इनका पुराना इतिहास है। ये ऐसे कारनामों के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इन टोपीबाजों के पक्ष में कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आया है, जिसका मतलब यही निकलता है कि इन तहमंदबाजों के तहमंदों के रंग इस बार रंगीन हो गए हैं। इन टोपीबाजों की वजह से देश बड़े संकट में फंस सकता है। साल 1962 में स्मॉल पॉक्स की चपेट में आए भारत ने जब इसे रोकने का अभियान शुरू किया तो यही टोपीबाज सबसे बड़ी बाधा साबित हुए थे। साल 1970 में भारत ने पूरी आबादी को टीका लगाने की गति बढ़ाई तो यह टोपीबाज इसमें भी अडंगा डालने आ गए थे। दरअसल बहुसंख्यक आबादी ने इसे शीतल माता का नाम दे दिया था, जिससे इन लोगों ने इसे धर्म से जोड़ दिया। इस दौरान भी इसी तबके की सबसे ज्यादा बैंड बजी थी। इसी तरह साल 2010 में भारत ने पोलियो उन्मूलन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया तो यह गंवारू कौम मुल्लाओं के झांसे में देश के खिलाफ खड़ी हो गई। इन्हें लगा कि इनकी नसबंदी की कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है। यहां पर भी ये अपनी कारस्तानी दिखाने से नहीं चूके, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2009 में 741 मामलों में 92% इसी वर्ग के थे। 2010 में 43 मामलों में 38 पोलियो के केस इन्हीं लोगों के सामने आए थे। वर्ष 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया, यानी इनकी टोपी बुद्धि को बात समझने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, मगर तब तक इनके टोकरे बढ़िया से पलट चुके होते हैं। पूरी दुनिया जब एक कठिन दौर से गुजर रही है, ये अब भी तशरीफ मटकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चीन के बाद ईसाई और मुस्लिम मुल्क ही इस वायरस का सबसे बड़ा शिकार है। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डेंगू और सार से भिड़ने वाला बहुसंख्यक तबका कहीं अधिक जागरूक हो चुका है। कोरोना के मामले में तो उसने विकसित देशों की आबादी को चौंका दिया है, मगर बावजूद इसके यह मदरसा पैदाइश बिल्कुल नहीं सुधर रही है। पाकिस्तान में 27 तहमंदबाज मदीने की रियासत से फरार हैं, जबकि 2016 इसकी तैयारी में है। ईरान में 2645 पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं। तुर्की और मलेशिया से 1000 के लगभग ऊपर उठ चुके हैं, पर इसके बावजूद ये सुधर जाएंगे ऐसी उम्मीद बेमानी है। निजामुद्दीन की तबलीगी जमात की मरकज इस बात का इशारा है कि यह लोग देश के विरुद्ध साजिश को अंजाम दे रहे हैं। वैसे संदेह तो इन पर पहले से ही था, अब पकड़े गए तो पूरा माजरा सामने आ गया है। ये तत्व झूठे हैं, इसका प्रमाण भी आज खुलकर सामने आ गया। इन्होंने मरकज में मौजूद जिन तहमंदबाजों की तादाद 1700 बताई थी, वह 3000 से ज्यादा निकले। बड़ी बात यह है कि प्रशासन के एक्शन में आने के बाद बहुत से टोपीबाज आसपास के घरों में जाकर छुप गए हैं, जो सरकार से पहले अपनी ही कौम के लिए मुसीबत बन गए हैं। आशंका तो यही लगाई जा रही है कि यह जिहादी देश में इस वायरस को फैलाने के लिए कहीं तैयार तो नहीं किए जा रहे थे। इसके पीछे कुछ सबूत भी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यहाँ मौजूद मुल्लाओं को देश के 25 जिलों की विभिन्न मस्जिदों में भेजा गया है। यहाँ इसलिए भी खुशी की बात नहीं है कि मस्जिद मदरसों के टोपीबाज ही इनका शिकार हो सकते हैं। इन्होंने जिन रास्तों से सफर किया और रास्ते में कहां कहां पिछवाड़े उठाए गिराए, वे इलाके भी कुरान बम बन सकते हैं, यानी तहमंद के लपेटे में धोती भी आ सकती है। खुफिया एजेंसी इन टोपीबाजों की जांच में जुट गई है। ऐसा अनुमान है कि 10 से 15 मार्च में लाहौर में हुए तबलीगी जमात के जलसे के बाद भारत में प्रविष्ट होने वाले मुल्लाओं को चिन्हित नहीं किया गया था। इसी जलसे से कई जमाती दुबई के रास्ते निजामुद्दीन पहुंचे थे। यहां से कितने दिल्ली, हैदराबाद और केरल में दाखिल हुए, उनका ब्यौरा भी जुटा लिया गया है। बड़ी बात यह पता चली है कि भारत में दाखिल होने वाले संदिग्ध टोपीबाजों ने स्क्रीनिंग तक नहीं कराई थी और तहमंद में मुंह छुपाकर एयरपोर्ट से निकल भागे थे, जबकि निजामुद्दीन तबलीग जमात सेंटर ने इन सभी को छुपाने का अपराध किया है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि देश में बने शाहीन बागों में तबलीग जमात के इन टोपीबाजों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, जिससे पता चलता है कि धरनों में जमात के लोगों को भीड़ के लिए न केवल इस्तेमाल किया गया, बल्कि तबलीगी जमात ने इन्हें फंड भी मुहैया कराया है, जिसका साफ मतलब है कि तबलीगी जमात धर्म प्रचार के नाम पर महामारी का प्रसार और देश के बंटाधार के कार्यों में लिप्त है। बड़ी बात यह है कि पीएफआई जैसे संगठन भी शक के दायरे में आ गए हैं।
इस संगठन ने तबलीगी जमात के पक्ष में खड़ा होने वाला बयान दिया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों की जांच का दायरा और विस्तृत हो सकता है। आपसे पुनः निवेदन है कि इन तैमदबाजों से कम 500 मीटर की दूरी बनाकर सामाजिक दूरी का निर्वहन करें, अन्यथा आपके साथ हिंदुस्तान भी संकट में पड़ सकता है। इन्हें अपने पास बिल्कुल नहीं फटकने दें, इनसे खरीदारी करने में भी सावधानी बरतना जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।